असम में एनआरसी की अंतिम सूची आने के बाद अब बीजेपी के अंदर ही एनआरसी को लेकर सवाल उठने लगा है। एनआरसी की अंतिम सूची आने से पहले मुसलमानों को घुसपैठियों कहने वाले और उन्हें देश से बाहर निकाल देने की बात करने वाले बीजेपी नेता अब बंगले झांक रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं को उम्मीद थी कि कई एनआरसी की फाइल सूची में से बड़ी पैच आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं को उम्मीद थी कई एनआरसी की फाइनल सूची में से बड़ी तादाद में मुसलमानों के नाम गायब निकलेंगे, लेकिन सच्चाई इससे परे निकली। अब बदले हालातों में बीजेपी ने एनआरसी डाटा फिर से सत्यापन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। इससे पहले बतौर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सभी सभाओं में कहते रहे कि उनकी सरकार घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी, लेकिन हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अमित शाह जैसे कई बीजेपी नेताओं के बयान से साफ है कि एनआरसी के बहाने असल निशाना वो मुसलमान ही पर था जिसके पास खुद को भारत का नागरिक साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं है। एनआरसी की अंतिम सूची आने के बाद अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि असम के सीमावर्ती जिलों में से बहुत से लोगों ने सूची में अपनी जगह बना ली है। इन सीमावर्ती जिलों की आबादी ज़्यादा है और इनमें बड़ी संख्या अवैध बांग्लादेशी है। असम में एनआरसी की अंतिम सूची जारी होने के बाद बीजेपी के तेवर नरम हो गए हैं। खुद असम सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि जिन लोगों के नाम एनआरसी के लिस्ट में शामिल नहीं है फिलहाल उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। असम सरकार में वित्त मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहां तक कहा कि मसौदों के ठीक बाद हम एनआरसी के वर्तमान स्वरूप से उम्मीद खो चुके हैं। जब बहुत से असली भारतीय बाहर हो गए तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि ये दस्तावेज असामिया समाज के लिए महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि 31 अगस्त को जारी हुई एनआरसी की फाइनल लिस्ट में एनआरसी की सूची में 3,11,21,004 लोगों को शामिल किया गया है, जबकि सूची से 19,06,657 लोगों को बाहर रखा गया। इनमें ज़्यादातर बंगाली हिंदू शरणार्थी हैं जो 1971 से पहले असम आए थे और पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने वाले लोग हैं। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या करीब 11 लाख है, जबकि बाहर होने वाले में से करीब 6 लाख लोग मुसलमान हैं। असम में एनआरसी पर दोबारा काम शुरू होने से पहले भी बीजेपी नेता देश से घुसपैठियों को बाहर करने की बात करते रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ साथ में ये भी कहते हैं कि उनकी सरकार हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगी। अहम सवाल ये है कि यदि हिंदू शरणार्थियों को भारत नागरिकता देगा तो क्या बीजेपी घुसपैठियों के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को देश से बाहर करने की बात कर रही है। रिपोर्ट नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।